को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने एक नई ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत, आज आपको दिख रहा होगा कि आज मैं कहाँ हूँ। आज मैं हूँ FRI में आई हुई हूँ, क्योंकि रिया बहुत टाइम से बोल रही थी कि प्लीज़ मामी मुझे FRI लेके चलो। तो दोस्तों मैं रिया को लेके आई हूँ आज FRI, जो कि आपको पता ही होगा यहाँ का देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा यहाँ पर हर एक चीज़ के, मतलब फॉरेस्ट के बारे में सारी जानकारियाँ हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ का म्यूज़ियम है यहाँ पे। तो दोस्तों जो कि आप मेरा पहले वाला ब्लॉग देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज मैं घूमने के पर्पज़ से, रिया के साथ पिक्स वगैरह शूट करने के पर्पज़ से आई हुई हूँ। तो दोस्तों आज मैं डिटेल के साथ नहीं बना पा रही इतना, क्योंकि पहले वाला, अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप मेरा पहले वाला FRI का ब्लॉग देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मतलब यहाँ की वो लोकेशन दिखाऊंगी जिसमें मतलब आपको लगेगा कि मतलब फ़ोटोशूट करने के लिए कहाँ पर अच्छा है कहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये वाला लोकेशन मैं FRI की काफ़ी दूर आई हुई हूँ, पास मतलब गेट के, फ्रंट गेट के, क्योंकि आया तो हमें बैक गेट से आया जाता है। अभी क्या है कि फ्रंट गेट के आगे से, ये वाला जो फ्रंट गेट है ये मतलब किसी के लिए अलाउ नहीं है यहाँ से आना। तो हम लोग घूमने के पर्पज़ से यहाँ आगे आए हुए हैं, तो यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है FRI का, पूरी बिल्डिंग दिखाई देती है FRI की। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कहा कि चलो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग इसी वाली बिल्डिंग से करूँ, मैंने घर से ना करके यहाँ से स्टार्टिंग करी है। तो दोस्तों चलो फिर आपको लेके चलती हूँ अंदर, और बहुत मज़ा आएगा कि मैं आपको लोकेशन बताऊँगी कहाँ कहाँ पर पिक्स के लिए मतलब बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप ये वाला लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे मतलब आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं, यहाँ पर आगे भी काफ़ी प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं इधर देख सकते हो। और वाकई में सबसे बेटर तो आप देख सकते हो कि जो ये बिल्डिंग है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चलो फिर आपको लेके चलती हूँ अंदर। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये है FRI का मेन गेट, जो कि आपको मतलब जो पोटा साहिब रोड जाती है प्रेमनगर से होके, ये यहाँ पर पड़ता है आपका मेन गेट। तो दोस्तों यहाँ से एंटर होते हैं अंदर। गाड़ी पार्क कर दी है और इसके बाद हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। तो दोस्तों ये सामने आपको टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वाला सामने जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ का टिकट काउंटर है। इसके बाद हम चलेंगे सीधे आगे FRI। तो दोस्तों आपको जो सामने दिखाई दे रही है ये है यहाँ की एक्टिवा की पार्किंग, जो कि हमने गाड़ी पार्क कर दी है। और यहाँ आगे जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ कार पार्किंग है, और अभी ये बैक साइड है यहाँ का, और जहाँ बैक साइड में एक कैंटीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सारे लोग जो भी धूप वगैरह हो जाती, कैंटीन भी बैक साइड में है और वॉशरूम भी बैक साइड में ही है यहाँ के। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम फ्रंट साइड, क्योंकि अभी हम बैक साइड में इसके लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवा पार्किंग थी तो इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम बैक साइड से ही अंदर जाएंगे, यहाँ से एंट्री भी है मतलब बैक साइड से। तो दोस्तों फिर चलो आपको लेके चलती हूँ अंदर। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं। रिया का आज फर्स्ट टाइम है FRI घूमने का, और रिया यहाँ फर्स्ट टाइम आई है। रिया कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा मुझे। दोस्तों यहाँ अंदर ना बहुत है घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा।
तो दोस्तों आप देख सकते हो आज का मौसम कितना प्यारा मौसम हो रखा है, और आप देख सकते हो ऊपर से बादल भी छाए हुए हैं, तो कितना सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों वाओ बहुत मज़ा है, इसलिए हम लोग आज घूमने के पर्पज़ से आए यहाँ एफआरए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल धूप में घूमने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आज थोड़ी छाँव है, आज थोड़ी हल्की हल्की धूप है, तो ऐसे मौसम में घूम सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का मौसम। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो शूट करी, और यहाँ पर रिया बोल रही है कि प्लीज़ मामी यहाँ पर जो फूल फूल दिखाई दे रहे हैं प्लीज़ मेरी फ़ोटो वहाँ पर खींच दो। तो दोस्तों चलो फिर करते हैं फ़ोटो शूट, और मिलती हूँ आपसे आगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घूम चुके हैं काफ़ी, और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मौसम, जब हम लोग आए थे तो बहुत अच्छा मौसम था, और अभी यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और हम लोगों ने एक पेड़ के नीचे बैठ गए छाँव में। तो दोस्तों सीरियसली यहाँ पर भी मतलब धूप के टाइम घूमने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सर दर्द हो जाता है। क्योंकि जब हम लच्छीवाला गए थे वहाँ पर हम धूप से इतने परेशान हो गए थे, तो मैंने हमेशा से सोचा था धूप के टाइम पर गर्मियों में बिल्कुल भी घूमने के लिए नहीं होता है। तो रिया का मन था, क्योंकि रिया आप 2-4 दिन में घर जाने वाले हैं, तो उसने बोला प्लीज़ मामी आप लेके चलो ना। फिर मैंने कहा चलो आज मौसम भी ठीक है, तो इसलिए मैं उसको लेके आई। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो हम लोग अभी पेड़ के नीचे छाँव में बैठे हुए। तो दोस्तों अभी हमने बहुत घूम लिया है, बहुत ही मज़ा आया। तो दोस्तों चलो फिर अभी थोड़ा बैठे हुए हैं हम, थोड़ा फिर रेस्ट कर रहे हैं। अभी हमें याद आ रहा है कि काश हम यहाँ पे कुरकुरे वगैरह लेके आते और हम यहाँ पे कुरकुरे खाते बैठ के, लेकिन हम कुरकुरा लाना भूल गए। तो दोस्तों अभी बाहर जाएंगे, कैंटीन है वैसे यहाँ पर, जहाँ की मैंने जो कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे कैंटीन है जहाँ पर हमने एक्टिवा पार्क करी है। तो दोस्तों चलो फिर देखते हैं कैंटीन में क्या क्या चीज़ें खाने के लिए हैं, अगर अच्छी चीज़ होगी तो ही खाएंगे, नहीं होगी तो हम बाहर ही खाएंगे। तो दोस्तों चलो फिर देख चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी सुंदर लोकेशन है, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब प्लांट्स का डेकोरेशन भी किया हुआ है, और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही प्यारा लोकेशन है। दोस्तों यहाँ पर आगे जाके आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने मतलब आजकल जो मौसमी फ्लावर होते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा कि मतलब इन्होंने कितने प्यार से इस फूल की कटिंग करी हुई है, इतना सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप फोटो शूट के लिए और मतलब जितना भी वीडियो शूटिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने फ़ोटो शूट किया। वैसे तो एफआरआई में ऑलमोस्ट हर जगह फ़ोटो शूट के लिए सारी लोकेशन काफ़ी सुंदर दिखता है, काफ़ी अच्छा लगता है, हर एक जगह पे आपकी फ़ोटो बहुत प्यारी आएगी, लेकिन ये वाला लोकेशन ना फिर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर लोकेशन है दोस्तों। तो चारों तरफ लोग यहाँ पर पिक शूट करने के लिए आए हुए हैं दोस्तों, और घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगे कितना प्यारे प्यारे, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने साइड में मतलब यहाँ पे जो मौसम के अकॉर्डिंग फ्लावर होते हैं ना, जैसे कि डहेलिया टाइप में, इन्होंने इधर साइड में पूरा डहेलिया लगाया हुआ है, जो कि बहुत प्यारे प्यारे खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो नज़ारा, आप खुद ही देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, वाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो दोस्तों फिर देखते हैं आगे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी, और तो मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। दोस्तों अभी क्या है कि बहुत गर्मी हो रही थी, हमने एक कोक लिया
ताकि मतलब थोड़ी सी ठंडक मिल सके। तो दोस्तों अभी हमने कोक पी ली है और मम्मी का फ़ोन आया था कि लंच घर पे बना हुआ है तो घर पे आ जाओ लंच करने। तो दोस्तों हम यहाँ लंच वगैरह नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पर 3 घंटे बहुत इंजॉय किया। तो दोस्तों हम अब जा रहे हैं घर, बाय बाय। दोस्तों आपने देखा हमने बहुत इंजॉय करा यहाँ पर। मैं इस वीडियो को यहाँ यहीं पर एंड करती हूँ। इसके लिए एंड करना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों फ़ोन में बैटरी बहुत कम बची हुई है, मतलब 10% बची हुई है। तो दोस्तों मुझे वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको आने वाले और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को मुझे एंड करना पड़ रहा है। बाय बाय, टेक केयर।